मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमने यहां पर दिया हुआ है, आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों जुड़ने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, पर एक मेहरबानी जरूर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कराएंगे तो क्या होगा कि हमारे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आप यूज कर सकेंगे। तो ताली दोनों हाथ से बजती है और उसको बजाने के लिए एक हाथ से आप सपोर्ट करो, दूसरे हाथ से मैं आपका सपोर्ट करूंगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। और जैसे कि आज महाशिवरात्रि है तो जय महाकाल। टेक्निकल प्रॉफिट एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे देख सकते हो। और जैसे कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्लेमर है कि जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये सिर्फ मेरे द्वारा दिए हुए नॉलेज है, इसे आपको अमल में लाने से पहले अपने ब्रोकर या किसी भी संस्था जिससे आप जुड़े हैं उनसे जरूर संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ जाकर। साथ ही साथ अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ज़ेरोधा में मेरे साथ तो आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और अगर आप उठाना चाहेंगे तो मैंने पहले भी कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, सिंगल हाथ से बजाएंगे तो कुछ होगा नहीं, वेव होगी जस्ट, वो हवा का प्रेशर से चला जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पर कि क्या बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है और बैंक निफ्टी पर काम करने के लिए आपको किस तरीके से मतलब क्या कर सकते हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें। बैंक निफ्टी जो कि आफ्टर बजट के बैंक निफ्टी और निफ्टी में गिरावट आई, बट कल मैंने एक निफ्टी पर वीडियो बनाई थी, उसी पैरामीटर्स के अलावा मैंने कुछ और एडिशन किया है। मैं आपको एक आधी स्ट्रेटजी भी उस पर करके बता सकता हूँ कि वो किस तरीके से काम करेगी, बट उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी होगी क्योंकि आप स्किप करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दूसरी बात कि देखिए इस चैनल पर हम आपको जो बताते हैं हमारे पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि जो हम आपको गाइड कर सके। क्यों? क्योंकि हम आपसे कोई कमीशन नहीं लेते, हम आपसे कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों राइट्स? हम जस्ट आपके लिए एक पुल की तरह काम कर रहे हैं कि आप इस जानकारी के साथ अपने ब्रोकर के पास जाएं, उससे बात करें कि भाई हम क्या कर सकते हैं। अगर वो आपको बोलता है तो आप उसके साथ काम करें और बताएं, अगर वो जानकारी आपको अमल में ला सकते हो और आप करना चाहते हैं तो आप उसके द्वारा दी हुई जानकारी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट की आप हमें अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये घट रहा है और घटने का अगर आप बेनिफिट उठा सकते हैं तो आप जरूर जाइए अपने ब्रोकर के पास और बात कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी चाहे जो कीजिए। यहाँ पर किसी ने आपको पाबंदी नहीं लगाई है कि आप वही कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा। देखिए मैं आपको दो चीज़ से समझाना चाहूँगा और दो चीज़ में चीज़ ऐसी है कि हमने एक चैनल सेट किया है जो चैनल आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से उसमें जो बार से मतलब ऑलमोस्ट 126 बार ये है ऑलमोस्ट। और अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि वो किस तरीके से आपको काम करके बता सकती है तो हम बात करेंगे कि आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। तो पहले अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने इस तरह का चैनल सेट किया था, ठीक है? ये चैनल में आपको बैंक निफ्टी ने बहुत सारी बार देखिए अब यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ था तो वापस नीचे आया, ये चैनल फॉर्मेशन है, चैनल फॉर्मेशन में यहाँ पर तक भी अगर आप देखोगे तो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये नीचे आया, देन इस चैनल से वापस सपोर्ट ले गया, ऊपर तक गया, देन इस चैनल पर टच हुआ, देन अगेन ऊपर गया, देन ये। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इसने इस चैनल को ब्रेक किया, बट चैनल ब्रेक होने के बाद में भी वो उस दिन अंदर की साइड ही बंद हुआ। अगर मैं इस चैनल की लाइन को यहाँ पर कंसिडर करूँ, मैं आपको जस्ट शो करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इस चैनल की लाइन को यहाँ पर कंसिडर करूँ, इससे ऐड करूँ, तो यहाँ पर इस अगर ये नीचे की साइड क्लोज देता तो ये चैनल का ब्रेकआउट माना जा सकता था। बट हुआ क्या कि इसने जो क्लोजिंग प्राइस थी जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी ये थी, दैट मीन्स कि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया नीचे की साइड में और ये नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ और वापस से अगले दिन या जो भी दिन थे अगर हम बात करें तो फिर इसने वापस से मुंह ऊपर की साइड ही दिया, ठीक है? ये यहाँ तक। अब आप बोलेंगे कि अब इसमें करना क्या है, तो इसमें करने के लिए आपको कुछ करना है वो मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है? होता क्या है अमूमन
कि अगर आप किसी चीज को खरीदने या बेचने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये सिर्फ एक चैनल पैटर्न होता है, चैनल में ही काम करता है। अब आप देखेंगे चैनल के अंदर साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस दिखा था जो पहले नीचे से ऊपर आते वक्त उसको लगा था, देन जब उसने जैसे ही वो खाया वापस नीचे आया, देन अगेन वो वापस अपने चैनल पैटर्न पे आया, फिर वापस रेसिस्टेंस खाया, फिर नीचे आया, बट जब इसने ब्रेक किया तो फिर ये ऊपर निकला, फिर वापस नीचे आया, तोड़ के फिर वापस नीचे ऊपर गया, और जब इसने फाइनली ये वाला रेसिस्टेंस लेवल जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जो इसने क्रिएट किया था यहाँ पर, सॉरी, जब यहाँ पर इसने क्रिएट किया था, तो इसको इसने तोड़ के जो ऊपर तक स्ट्राइक मारा, मतलब स्पाइक से दिन 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 करके तरक्की करता गया और ऊपर जाता गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो लेवल है ये नीचे की साइड टूटने को तैयार नहीं है, ये ऊपर जाने को तैयार, बट ये अगर यहाँ से चलता भी है तो फिर यहाँ पर एक ये रेसिस्टेंस फिर खाएगा मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये लेवल दिख रहा है आपको, ये सिमिलर दिस काइंड ऑफ लेवल है, और इसके बाद अगर ये यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि जब ये यहाँ से ब्रेक किया, इसने वापस नीचे आया, देन ऊपर गया, देन ऊपर गया तो ऊपर ही गया फिर नीचे, बट इसको ये नीड, जरूरत है कि ये एटलीस्ट 26,000 का लेवल यहाँ से क्रॉस करे, तभी ये वापस से मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कितने मूवमेंट आ सकती है, तो फिर अगर जब भी आएगी मूवमेंट तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से चलने के बाद, मतलब अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से इस गैप का ब्रेकआउट मिल जाता है इसको, तो ये ब्रेकआउट जो है आप समझिए कितने पॉइंट का ब्रेकआउट है, ये जो ब्रेकआउट है लेवल का, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, वेट करना पड़ेगा आपको 2 मिनट के लिए। जैसे ये ब्रेकआउट आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की एक कैंडल थी, ठीक है, जो कि 25,641 रुपये से लेकर 25,023 रुपये तक का नीचे का लो मारा था। दैट मीन्स हम समझ जाते कि 1,000 पॉइंट की ये कैंडल थी। तो अब इसका जो गैप निकल के आ रहा है, अगर मैं सोचूं कि 25,255 से लेके 26,000 यानी 700 पॉइंट, तो अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो फिर हम अगेन 700 पॉइंट तक की रैली ऊपर तक जाकर देख सकते हैं। तो जो कि अगर हम बात करें कि वो इस किस तरीके से होगी, तो बट अभी मैं एक आपको दूसरा पैरामीटर भी दिखाऊंगा जिससे आप बोलेंगे कि ये इसमें तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट होगा क्या वो हम बाद में रियलाइज करेंगे कि किस तरीके से हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर ये यहाँ से चला, तो ऑलमोस्ट हमने जैसे बात किया कि ये 750 पॉइंट तक जा सकता है, तो 750 पॉइंट यहाँ तक कुछ इस अमाउंट के आसपास हो जाएंगे आपके 750 पॉइंट। वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए, देखिए अब ये ऑलमोस्ट, अगर मैं 750 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ इस कैंडल के आसपास 750 पॉइंट इस लेवल पर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं इसको कि अब ये यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो देखो इस तरीके से अगर किसी चीज में ये ऊपर गया था तो ये ऊपर तक गया था, देन जब इसने शूट आउट नीचे की तरफ दिया तो आप देखो कि कितना सारा नीचे की साइड मारा। आप यहाँ कंसिडर करो कि जब ये चीज यहाँ चली थी 24,25,000 25,035 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट 25,000 1,000 पॉइंट चली, देन अगेन ये नीचे आई, तो फिर ऑलमोस्ट अगर मैं 25,075 का क्लोजिंग प्राइस पकड़ू तो 25,813, देन ये ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ गई थी, और फिर अब जब ये यहाँ से क्लोज दी 25,667 रुपये की, तो ये देखिए आप, अच्छा ये मेरी ही स्ट्रेटजी जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी शेयर की थी। अगर कोई ध्यान पूर्वक देखता है, और पहले बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप बैक टेस्ट कीजिए, फलाना टेस्ट कीजिए, तो बैक टेस्ट तो ऑब्वियस हो, बैक टेस्ट ही होते हैं, पर अगर आपको रियल में टेस्ट करता है तो यू नीड टू डू पेपर ट्रेड, बिकॉज आप को कोई बता रहा है तो आप उसका एटलीस्ट रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी चाहे जो कीजिए, क्यों, क्योंकि क्योंकि आपको अगर समझाने वाला मिल रहा है तो फिर वो समझा रहा है और आपके भले के लिए बता रहा है। मेरे साथ ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से प्रॉफिट होते हैं, वो मुझे अच्छा लिखते हैं, यहाँ तक कि इवन कितनी लेडीजेज है जो वो बोलती है कि हमारे दिनचर्या की चीजें हम आपके माध्यम से कमा रहे, तो मुझे गर्व होता है कि मैं इस इंडिया में लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो अगर किसी को मेरे माध्यम से प्रॉफिट होता है तो जय महाकाल, उसको और तरक्की दे, और अगर कोई इंटेंशनली कुछ भी, अगर कुछ भी मिस आउट करता है या कुछ भी मिस कमेंट करता है, तो देन ऊपर वाला उसको जरूर देख लेगा, इसमें इसमें कोई शक्यता नहीं है, कोई मतलब कोई किसी प्रकार की घबराहट देने की जरूरत नहीं है कि अननेसेसरी, अगर आप किसी को कुछ भी लिखेंगे तो ऊपर वाला है इस धरती पर, वो देख लेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई समझ में आई है तो आप समझ तो मैं आपकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूँ।
और आप अगर हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो हम आपके साथ जानकारी और भी शेयर करते रहेंगे, ताकि जिससे आपका भला हो, आपका परिवार का भला हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हमारे द्वारा दी जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप अपना नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा के रखें, ताकि सबसे ज्यादा जानकारी मिले। बहुत सारे स्टॉक से लेके जो भी जानकारी मैं देता हूँ वो उस दिन के लिए हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट डे वो आपके लिए काम ना आए, कि हो सकता है स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका हो और आप अपने ब्रोकर से भी हेल्प ना ले पाए। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप ध्यान रखें और उसी दिन वो वीडियो को जरूर चेक करें। धन्यवाद, आपका शुभ।